rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything, everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict. What is up people, welcome back to my YouTube channel. कैसी है मेरी जनता जनार्दन? Yes, finally वो टाइम आ गया. मैंने इस बार जो व्लॉग है वो स्ट्रेट स्टार्ट किया बाइक से, बिकॉज मुझे पता था काफ़ी मैसेज आ रहे थे बाइक कहाँ है, कब रिवील होगी. वेल पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ दैट दिस बाइक हैज़ एसेसरीज ऑन इट बाय ऑटो इंजिना. इसके पीछे काफ़ी मेहनत गई है, सो डोंट एक्सपेक्ट दिस बाइक टू सडनली लुक लाइक अ चॉप शॉप कस्टम मोटरसाइकिल. बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ऐसी है कि मैं पूरी बाइक को कस्टमाइज करा रहा हूँ, बट ऑनेस्टली दिस इज़ टोटली एसेसरीज. एंड येस, इसे टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये कमर्शली प्रोवाइड होगा. सो सबसे पहला मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसकी प्री बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट ये व्लॉग मैं आप लोग के लिए जल्दी डाल रहा हूँ. येस, दीज आर फाइनल प्रोडक्ट्स, हाउ एवर द फाइनल प्रोडक्शन विल टेक सम टाइम, अ वीक और टू और मे बी इवन अ मंथ. सो उसके लिए आपको फॉलो करना है, यू नो वॉट टू डू, राइड विद राज _9 इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑटो इंजिना टू कीप ऑल द अपडेट्स के इसके पार्ट्स कब आ रहे हैं आप लोगों के लिए. सो ये एक सिसी बार बैग था जो ट्रिप मशीन से मैंने इसके बारे में वीडियो भी किया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस बाइक के लिए. ऑल्सो ये बैग सैडल बैग भी बन जाता है, तो ये आज के एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए स्पेशली कि कैसा लगने वाला है आप देख सकते हो. एनी वेज, हाउ यू कैन हुक इट अप वो सब मैं आप लोगों को बाद में डेमॉन्स्ट्रेशन व्लॉग्स में दिखाऊंगा, पर ये बैग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसलिए नहीं बनाया है सीसी बार. अब स्ट्रेट बात करते हैं सीसी बार की, और यूजली सीसी बार इज़ यूज इन ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल्स, और इसे इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये एक स्पाउस या फ्रेंड या किसी के लिए भी एक लॉन्ग बैकरेस्ट बन जाता है फॉर लॉन्ग राइड. सो ये बहुत काम की चीज़ है. उसके अलावा अपना लगेज भी वर्टिकली इस पर आ जाता है, जैसे आप कुछ भी चीज़ इस पर लगाते हैं तो वो अच्छा ही दिखता है और स्टडी रहता है. इसके हुक्स भी आते हैं जिससे बैक स्ट्रेट रहेगा. एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस पर ऑटो इंजिना ने एक कंपोजिट बैकरेस्ट लगाया. ये जो बैकरेस्ट है इस पर ना कोई कपड़ा है ना कोई लेदर है, सो बेसिकली इट इज़ जस्ट अ प्योर लाइक अ मटीरियल ऑफ स्पॉन्ज विच विल टेक ऑल द शॉक्स फॉर योर पिलियन राइडर. और अब बात करते हैं सीसी बार में. यूजली अमेरिका में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो रॉड यूज़ किया जाता है, इस पर पाइप यूज़ किया गया है. नाउ पाइप यूजली डजंट बेंड, बट जहाँ पे उसके रीइंफोर्समेंट जॉइंट्स और वेल्ड्स होते हैं वो हमेशा बेंड होते हैं, उसका ख्याल रखना होता है. वही चीज़ ऑटो इंजिना ने इसमें ख्याल रखा है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू मेक एनी फॉल्टी पार्ट्स. एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ये काफ़ी टेस्ट भी किया है, इसीलिए व्लॉग लेट आ रहा है आप लोग के लिए, बिकॉज की टेस्टिंग चालू थी. इसके पीछे एक ट्रे रखी गई है जो मैंने एक सिंपल डिज़ाइन की है, इसको ट्रायंगुलर किया कि स्लीक भी लगे. और टेल लाइट से मैंने लिटरली जस्ट हाफ अ इंच बाहर रखा है कि इनकेस अगर ये टकराए तो टेल लाइट को भी थोड़ा प्रोटेक्ट कर दे, कीपिंग दैट इन माइंड. बट इस ट्रे का फ़ायदा ये होता है जैसे कि कोई टेंट होता है, या तो अगर आपको ये बैग यहाँ भी लगाना है तो ये ऐसे करके आ जाता है, एंड यू कैन स्टिल हैव योर पिलियन ऑन इट. इसमें स्टेनलेस स्टील स्पेसर्स यूज़ किए गए हैं. सीसी बार इज़ मेड आउट ऑफ MS नॉट स्टेनलेस स्टील गाइस, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है. इस पर एक प्री कोट होता है, उसके बाद पाउडर कोट होता है, इसीलिए ये इतना डिफाइंड और वेल पॉलिश लगता है. पर्सनली ये मोटरसाइकिल और हॉट दिखती है जो ये कैमरा पे दिख रही होगी. कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, जब आप ये पार्ट्स लगाओगे अपनी सुपर मीडियो 650 पे तब ये बहुत ही सुपर लगे, एंड आई पर्सनली रियली लव्ड इट. क्विकली टॉकिंग अबाउट सैडल स्टेज, सैडल स्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मोटरसाइकिल, स्पेशली द डिस्क ब्रेक कैलिपर विच इज़ राइट हेयर. आपके बैग्स उसको ज़रूर टच होंगे. कई लोगों के मैंने वीडियोस देखे जिसमें देवर जस्ट यू नो कीपिंग इट लाइक दैट. यू कैन राइनॉक्स के नोमैड है या ट्रिप मशीन बैग्स है या कोई और आपकी प्लानिंग है, बट आई वुड एडवाइज सैडल स्टेज. अब आप लोग का सवाल ये ज़रूर होगा कि सैडल स्टे को सिर्फ दो पॉइंट सपोर्ट है, तीसरा क्यों नहीं है.
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है इन लोग ने। इस पे भी आप, मैं आपको अभी क्विकली दिखा देता हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी सैडल बैग इस पे बहुत ही ईजिली टिक जाएगा। अगर इस पे ऐसी बेल्ट वेल्ट लगाई गई है सो आप देख सकते हो कितना इरेक्ट लगेगा और कितना स्मार्ट लगेगा ये बैग। सो ये 90 डिग्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजिशन को माइंड में रखते हुए बनाया हुआ है। इसके सारे प्राइसिंग और सब कुछ आपसे डिस्कस होंगे जब ऑटो एंजुरा इनको ऑफिशियली लॉन्च कर देगा। जो आपने पिछले व्लॉग में देखे थे वो प्रोटोटाइप थे और ये अब प्रोडक्शन रेडी हो चुके हैं। इसके साइड पैनल में बंजी कॉर्ड्स के लिए भी काफ़ी स्लॉट्स दिए हैं, विच इज़ वेरी वेल थॉट बाय ऑटो इंजिना, विच इज़ रियली नाइस। क्रैश गार्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी और रील्स डाली थी अबाउट द क्रैश गार्ड्स, पीपल वर टेलिंग मी कि ये काफ़ी छोटे हैं, दे शुड बी बिग। देखिए, ये आपका एक मानना है कि जितने बड़े होंगे उतनी आपकी बाइक बचेगी। कई लोग ये भी सोचते हैं क्रैश लेग गार्ड्स आर मेड टू प्रोटेक्ट योर लेग। इसकी जो mm और विद है वो काफ़ी एक्सटेंड की, अगर आप देखते हैं मैं आपको एक क्विकली डेमोन्स्ट्रेशन बैठ के दिखाता हूँ। सो इफ़ यू नोटिस इट्स लिटरली टिल हियर, विच इज़ अ वेरी डिसेंट पॉइंट। अगर आप देखोगे तो हैंडल बार से वो लिटरली जस्ट एक इंच है। अगर आपका पहला इम्पैक्ट हैंडल बार भी ले लेता है तो फिर ठीक है, सेकेंड वुड बी दिस फॉर श्योर, बट बिफोर दिस विल डेफिनेटली बी योर फुटपेग्स। अब कई लोगों ने फुटपेग के लेवल तक क्रैश गार्ड्स बनाए हैं, दैट इज टोटली योर्स। यू कैन हैव बिगर क्रैश गार्ड्स विच विल बी गुड ऑल्सो, एंड मे बी इन फ्यूचर आई विल डेमोन्स्ट्रेट सम बिगर क्रैश गार्ड्स विच विल बी ऑल्सो गुड, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। हेडलाइट प्रोटेक्टर की ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मैं आपको एक सैम्पल के लिए दिखा। इस कलर का जब मैंने इस पर डेमोन्स्ट्रेट करके लगाया था तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मे बी और कलर्स आ सकते हैं ऑटो इंजिना से, आप चेक करते रहिए, बट इस वक्त ब्लैक बने हैं बिकॉज ब्लैक आफ्टर पुटिंग द लाइट्स ऑन यू विल रियलाइज हाउ गुड दे लुक। सो लाइट्स ऑन होने के बाद ब्लैक बहुत सुंदर दिखता है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस ग्रिल की कि सारे पॉइंट जहाँ से लाइट आनी चाहिए वो काफ़ी ओपन है, ऐसा नहीं है कि पूरा कवर कर दिया और सिर्फ होल्स है। सेकेंडली दे हैव मेड वन पीस, यू नो लिटरली लाइक अ वन पीस शेल, आप देख सकते हो मेरे हाथ में इनका रॉ फर्मा है। दिस इज़ वन पीस विच आई रियली लाइक्ड व्हाट दे हैव डन। सो ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज इस LED हेडलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ था नहीं और ये अच्छा भी दिख रहा था। दिस इज़ मोर ऑफ अ एस्थेटिक लुक। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वो है हैंडल बार। गाइस, एक डिस्क्लेमर वापस देना चाहता हूँ, ये जो हैंडल बार है ये मेरे लिए स्पेशली क्रिएट किया था, बट ऐसा नहीं है, ऑटो इंजिना वुड लाइक टू गिव दिस टू ऑल द पीपल ऑल्सो। द ओनली थिंग इज़ दे वॉन्ट टू बी सर्टन अबाउट इट। इसके लिए इसकी जो राइडिंग है दे नीड एटलीस्ट 1000 to 2000 किलोमीटर्स विच आई एम प्लानिंग टू डू ऑन दिस। उसके अलावा हैंडल बार को बेंड करना और थिक से थिन बनाना एक अलग लेवल, अगर आप टेक्निकल हैं तो आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार लिया और बेंड कर दिया और ऐसा शेप कर दिया, इस चीज़ में बहुत टेक्निकल चीज़ें गई है, केबल्स कहाँ से वायरिंग की गई है वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हैंडल बार वॉज डिज़ाइंड एंड आई फील इट इज़ फैंटास्टिक फॉर माई साइज ऑफ अ गाय हूज़ 5'8½ अप्रॉक्सीमेटली। आई जस्ट शो यू द सिटिंग पोजिशन आफ्टर दिस हैंडल बार, दिस इज़ हाउ आई एम सिटिंग ऑन इट। जो ओरिजिनल हैंडल बार है स्टॉक वो अच्छा है, बट दैट कम्स अ बिट हियर। मुझे थोड़ा 2 इंच का राइज चाहिए था और मुझे थोड़ा क्लोज़र चाहिए था, बल्कि राइज होने के बाद ये हैंडल बार का जो विड्थ है वो ओरिजिनल से एग्जैक्ट मिलता जुलता है। हाउएवर बिकॉज उसको राइज मिल गया है वो थोड़ा नैरो दिखता है ये वाला हैंडल बार, बट एक्चुअली इट इज़ द सेम साइज़ एंड फॉर मी माई शोल्डर वाइज एंड एवरी थिंग दिस इज़ परफेक्ट। और इस पर मैंने काफ़ी टेस्ट राइड भी किया और अभी लंबे राइड पर जाऊँगा भी, पहले तो मुंबई पहुँच जाऊँ। बट ये हैंडल बार आपको इमीजिएट अवेलेबल नहीं होगा, बाकी सारे पार्ट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, बट दिस हैंडल बार विल टेक सम टाइम वंस देयर मशीनरी इज एट पॉइंट। सो द राइड वॉज फैंटास्टिक, दैट्स वाई एम वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स राइट नाउ। आई एम गोना टॉक अबाउट द इंजन गार्ड एंड बैश प्लेट। राइड अच्छा था, 100 किलोमीटर का राइड किया, सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड वी हैव ब्यूटिफुल डॉग्स अराउंड आर फैसिलिटी, वी हैव जॉय, वी हैव तुआंग, बोथ चिलिंग हियर। सो इंजन गार्ड की क्विकली बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस मोटरसाइकिल का, इट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग वन फॉर दिस बाइक। माउंटिंग पॉइंट्स प्रॉब्लम नहीं थे इस बाइक में, सबसे इंपॉर्टेंट था दैट नीचे चैसीज नहीं है। ये अगर आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग में नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। सो वी हैड टू क्रिएट, सो जो फ्रेम आपको दिख रहा है वो फ्रेम वहाँ बनाया गया है, उसके ऊपर बैश प्लेट लगी है विच विल प्रोटेक्ट द इंजन फ्रॉम डाउन एनी डेब्रीज और कुछ भी स्पीड ब्रेकर ब्रूजिंग हुआ या कुछ भी हुआ। सो ये बहुत
सेंसिबली बनाया है. इट्स अ क्वाइट अ हैवी ड्यूटी वन. एंड येस, देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज इन ग्राउंड क्लियरेंस, अगर आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि हमने इसे स्पीड ब्रेकर से भी उड़ाया है, काफ़ी जगहों पे लेके गए हैं. चार पॉइंट्स है. अगर आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना है, इट इज़ वेरी ईजी टू रिमूव. ऑल्सो द नट्स एंड स्क्रूज आर पंच्ड इन, जिसकी वजह से वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एज यू कैन सी इन द बी रोल आई एम रोलिंग. ओवरऑल राइडिंग परफॉर्मेंस की अगर क्विकली मैं बात करूं, आई विल टॉक अ लॉट अबाउट दिस हैंडल बार, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी अवेलेबल नहीं. हाउ रिजिड इट इज़, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, तो इसकी टेस्टिंग चल रही है. मुझे अब मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो राइडिंग शॉट्स में, कि आई वॉज रियली रियली लविंग इट. आई लव द हाइट ऑफ दिस हैंडल बार. इट्स अ बिट अहेड, तो हम इसको भी थोड़ा पीछे सेट कर देंगे. बाकी केबल भी सारी फ्री है, सारे स्टॉक केबल्स पे हुआ है, और ये हैंडल बार सून अवेलेबल होना चाहिए. नहीं तो बहुत सारे अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च हैंडल बार, सो वो सब मैं वीडियोज़ आपको आगे दिखाता रहूँगा. बट मेरा फेवरेट करेंटली इज़ दिस वन. आई एम लविंग द वे I can keep my elbows free on this. सबसे important is handle bar का यही था, मेरे elbows free चाहिए थे. थोड़ा narrow है original से और ऊँचा है, जिसकी वजह से maneuver and turning this bike is very easy for me. This is completely my choice. I always wanted apes, mini apes on this motorcycle. Compliments the look also. सो ओवरऑल यही पूरा प्लान था. अब क्विकली बात करते हैं रेडिएटर ग्रिल की. ये भी बहुत अच्छे से बनाया है. यू कैन सी ऑल द क्रॉस डिज़ाइन, विच रियली गुड, लुक्स नाइस. आप गौर से देखोगे तो साइड से भी अच्छे से कवर किया है, और काफ़ी अच्छा गैप रखा है बिटवीन द रेडिएटर एंड द ग्रिल एरिया. सो इस रेडिएटर ग्रिल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो साइड से ओपनिंग्स दी गई है, ये इसलिए दी है कि एयर फ्लो अच्छा हो. बिकॉज यू गाइज नो दिस इज़ एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल 650, काफ़ी हीट होती है, तो इसको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सैडल स्टे की भी जो लेंथ है वो इतनी परफेक्ट बनाई है कि आप राइनॉक्स के नोमैड हो या डर्ट सैक इफ़ यू यूजिंग एनी अदर ब्रांड्स, वो पूरे यहाँ तक आएंगे. अगर वो इतने बाहर भी होंगे, 80% ऑफ योर बैग विल बी सॉर्टेड. सो ये भी बहुत अच्छा है, पिलियन को ट्रबल नहीं होगा. एंड बैक रेस्ट फॉर द पिलियन इज़ रियली गुड. ट्रस्ट मी, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट. डोंट डू दिस ऑन द बाइक फॉर श्योर. काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि पिछले 15 दिन से इस बाइक पे मॉड्स हो रहे हैं, सो देवर थिंकिंग वी गोना कम्प्लीटली चेंज द पेंट कलर, टैंक एंड ऑल दैट. ये कस्टमाइजेशन के लिए नहीं आई थी, ये एसेसरीज़ के लिए आई थी. हमें प्रैक्टिकल पार्ट्स चाहिए थे जो इस बाइक पे अच्छे भी लगे, काम भी आए, और यू नो कमर्शियली ऑल्सो दिस कैन बी सोल्ड बाय ऑटो इंजिना. सो दैट्स अ होल प्लान. एंड फाइनली द प्रोजेक्ट इज़ ओवर. दीज विल बी अवेलेबल सून, मे बी अ मंथ्स टाइम. अभी प्री ऑर्डर का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है. फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो फॉलो ऑटो इंजिना, यूल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन इट कि सारी चीज़ें कब लॉन्च होगी. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, यू नो वॉट टू डू, प्रेस द थम्स अप बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एज यूजुअल फ्रेंड्स, ईट वेल, स्लीप वेल, बी गुड. साइनिंग ऑफ, राइड विथ राज. Thank you.